कर दो उसे। ये देखो अभी पुलिस स्टेशन में आए हैं, देख रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। देखिए अभी हम लोग खार पुलिस स्टेशन में है, इजाज़ भाई को लेके आए हैं। भाई कुछ बोलो ना भाई। अभी इजाज़ खान को कल एक वीडियो डाला है इजाज़ खान ने, उस वीडियो के बेस पे खार पुलिस स्टेशन में किसी एक एडवोकेट ने कंप्लेंट की है और इजाज़ खान को अरेस्ट किया है। आप लोग सब दुआ करो और के कल इंशाल्लाह हम लोग कोर्ट मूव करेंगे, कल कोर्ट ले जाएंगे उनको सुबह और बेल के लिए हम लोग ट्राई करेंगे। इजाज़ लोगों को बोला था कि 149 का नोटिस दे के अभी इनको पुलिस स्टेशन से लेके जाएंगे वापस, पर शायद जो केस है वो हम लोगों को नहीं बताया गया और अब इस वक्त पता चला है कि उनको अरेस्ट कर लिया। मीडिया कर्मी भड़काऊ भाष्य करते हैं और तुम लोगों का काम है, अपना अल्लाह के बंदे का काम है, वो काम चालू रहेगा, रुकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगा, काम रुकेगा नहीं। और हम लोग को मुंबई पुलिस और मुंबई की जो कानून है मतलब पूरा भरोसा, सरकार पे पूरा भरोसा है कि हमारे साथ इंसाफ होगा, क्योंकि इजाज़ भाई ने ऐसा कुछ गलत किया नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग भी दुआ करो और भाई को सपोर्ट करो कि प्लीज़ भाई के साथ कुछ गलत नहीं हो। तो आप लोग जितना हो सके दुआ करो और हम लोग का सपोर्ट करो प्लीज़। अभी हम लोग इजाज़ खान यहाँ को पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन भी हमको पूरा सपोर्ट कर रही है। पुलिस ने स्पेशली बुला के हमको बोला है कि अपना काम, इजाज़ खान का जो काम है वो खुद पुलिस स्टेशन बोलती है कि बहुत अच्छा काम है, वो काम बंद नहीं करना, गरीबों तक राशन पहुँचाना, खाना पहुँचाने का काम चालू रखना। और इंशाल्लाह हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जितना ज़्यादा, जितना कम से कम इजाज़ खान को तकलीफ़ हो। और अब देखिए इसमें जो मैं बोलना ही चाहूँगा कि जो और बोल रहे हैं उनका तो कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है, अल्लाह की मर्ज़ी है, इंशाल्लाह अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह हाफिज़। बस आप लोग दुआ करिए भाई के लिए और प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि भाई ने आज तक कुछ गलत नहीं किया है। भाई सिर्फ पिछले 10 दिनों से सोया नहीं है, सिर्फ गरीबों की मदद में लगा हुआ है यहाँ वहाँ। तो हम लोग को अल्लाह पे भरोसा है, ऊपर नीचे मुंबई पुलिस पे और उद्धव सरकार पे पूरा भरोसा है कि भाई के साथ कुछ गलत नहीं होगा। सपोर्ट करो, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।